हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बागवानी नॉलेज में। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में यदि आपने गुलाब के पौधे लगाए हैं और आपके गुलाब में भी अभी तक फ्लावर्स नहीं आ पा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने गुलाब के पौधे में अच्छे से फ्लावर प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुलाब में जो करने वाली चीज़ होती है दोस्तों, फर्स्ट में आपको करना क्या है कि जो भी पौधे आप लगाए हैं उसकी कटिंग आप ज़रूर टाइम टू टाइम करते रहें। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग डिस्टर्बेंस में चल रही है, फ्लावर या नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो खाद आपको डालनी बहुत ज़रूरी है। यदि आप पौधे में खाद नहीं डालते हैं, न्यूट्रिशन पौधे को नहीं मिलता है दोस्तों, तो भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं आती है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि पौधे में अक्सर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से पौधे जो वीक हो जाते हैं और फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं। और जहाँ भी आप गुलाब के पौधे लगाते हैं, धूप के लिए विशेष व्यवस्था करें, क्योंकि अगर सनलाइट प्रॉपरली आपको गुलाब के पौधे में नहीं मिलती है तो भी उससे जो बर्ड्स आते हैं, जो कली निकलने वाली होती है, वो भी धीमी पड़ जाती है या तो फिर धीरे धीरे फ्लावरिंग शुरू होने पाती है। और इस स्टेज में यदि फ्लावर आपके बहुत ही कमज़ोर या तो छोटे आ रहे हैं या फिर कमज़ोर होके निकल रहे हैं, तो उनका विशेष ध्यान रखिए और सही समय पर खाद डालनी है आपको। दोस्तों, इस समय मार्केट में नर्सरियों में आपको बहुत तरह की खादें आपको मिल जाएंगी, और उसमें अगर आदि आप यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो खाद मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें लिए मिक्स वाली खाद जो आती है उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट फूड के नाम से जो मार्केट में खाद आती है नर्सरियों में अवेलेबल भी होते हैं, इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बने बनाए मिलते हैं रेडीमेड, आप इसमें डाल सकते हैं 2-3 चम्मच प्रति पौधे के हिसाब से। गुलाब में यदि पौधे में आपने देखा होगा दोस्तों, कभी कभी उसमें से बीजू डाल भी निकल आती है, तो आपको भी प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि हमारे जो गुलाब के पौधे हम लगाते हैं उसमें कहीं बीजू डाल तो नहीं आ रही है। मैं बीजू डाल आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हैं नीचे जो इसके जड़ के पास आती है डाल, और इसी को आपको तोड़ के निकाल देनी है। ये टाइम टू टाइम आपका प्रॉपरली आता रहता है। तो यदि आपने इंग्लिश रोज का पौधा लगाया है, जनरली ये आपके इंग्लिश रोज में ही निकलते हैं। आप यदि आपने देसी गुलाब लगाए हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं है इसको कटिंग करने की, तो आप इसे जान के, क्योंकि इसमें जो बड होती है, जो कलमी वाली डाल होती है दोस्तों, इसके नीचे से यदि आपके निकल जाते हैं बीज वाली डाल, तो टाइम टू टाइम इसको जरूर आप निकालते रहें, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन या जो भी आप मिट्टी में खाद डालते हैं दोस्तों, ये प्रॉपरली पौधा ले नहीं पाता है और ये बीज वाली जो डाल होती है यही ग्रोथ करता रहता है और बढ़ते बढ़ते इसमें फ्लावरिंग नहीं आ पाती, जिससे पौधे को संपूर्ण विकास नहीं हो पाते हैं और फ्लावरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो कभी कभी पौधे में पत्तियां पीली होने लगती हैं, हमारे फ्लावर्स नहीं आते हैं, पौधे में रोग लग जाते हैं, तो इसके लिए समय समय पर आप इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करते रहें। दोस्तों, नर्सरियों में आपके इंसेक्टिसाइड मिल जाएंगे, या तो प्रॉपरली आपको जो मैं इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ गुलाब पर, आप इसको स्प्रे कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। चंप दोस्तों आती है, इसको 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यदि आप मिलाकर स्प्रे करते हैं गुलाब के पौधे में, तो आपकी फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। और इसके साथ आपको फंगिसाइड लेनी है साफ, जो मार्केट में अवेलेबल है, या आप ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं, इसको भी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और फरवरी के महीने में दोस्तों, मौसम जब अच्छे से धूप लगने प्रारंभ हो जाते हैं तो पौधे ऑटोमेटिकली आपके रिकवरिंग स्टेज में आ जाते हैं, जिससे जो भी पौधे आपका पौधे पत्तियां गिरती हैं, खराब होती हैं, यदि आप न्यूट्रिशन देते हैं, खाद टाइम टू टाइम, फर्टिलाइजर देते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। और इस समय मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बराबर पौधे को मिलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी न होने की वजह से पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और वीडियो में आप देख सकते हैं गुलाब के जो फ्लावर्स हैं काफ़ी अच्छे होते हैं और बड़े साइज़ के समय फूल आ रहे हैं, क्योंकि ठंड के मौसम में अक्सर जो फूल के पौधे होते हैं इनकी फ्लावरिंग ठंड की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि धूप न मिलने के कारण और ठंडी की वजह से भी कुछ पौधे में जो है ग्रोथ कम हो जाती है। इस वजह से आप परेशानी में होंगे कि हमारे गुलाब के पौधे में ऐसे फ्लावर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, आप जो मैं बताया वीडियो में, आप इसको ऐसे करके अपने फ्लावर को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप गुलाब के पौधे लगाना चाहते हैं इंग्लिश रोज में, तो प्रॉपरली देखभाल की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, तो तभी आप लगाएं। और मिट्टी के लिए दोस्तों, सॉइल बहुत ही महत्व रखती है पौधे के लिए, तो सॉइल जब भी गुलाब के लिए दोस्तों आप इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि मिट्टी में ज़्यादा आप खाद न मिलाएं, क्योंकि पौधे में यदि गुलाब के पौधे में यदि आप ज़्यादा भी खाद डालते हैं तो उससे भी पौधे आपके ग्रोथ रुक सकते हैं, क्योंकि
ओवर एक्सटेंड से भी पौधे में ज़्यादा जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है और बल्कि उल्टा ही नुकसान कर पाता है पौधे को। तो जब भी आप पौधा गुलाब को लगाएं दोस्तों, नर्सरी से खरीद कर ले आएँ, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पौधे अच्छे हों और पौधे स्वस्थ हों। यदि पौधा आप स्वस्थ लाते हैं तो उसमें रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। और वैरायटी का जो एक विशेष ख्याल करें, कुछ कुछ वैरायटियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छे फ्लावर देते हैं। मिनिएचर वैरायटी गुलाब की काफ़ी अच्छे फ्लावरिंग देती है और गर्मी के मौसम में भी गुलाब बहुत ही अच्छा उसमें फूल देता रहता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखकर अपने गुलाब के पौधे में आप अच्छे से प्राप्त फूल प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नए नए वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय एंड टेक केयर।